अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अयोध्या में इस समय श्रीराम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है और श्रीराम जन्मभूमि परिसर में भूमि के समतलीकरण का काम चल रहा है इस समय, और वहां पर मलबा हटाने के दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और एक प्राचीन शिवलिंग मिला है जो श्रीराम जन्मभूमि मंदिर न्यास बनाया गया है। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं श्री चंपत राय, उन्होंने जानकारी दी कि मलबे को हटाने के दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग आदि मिले हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसने ये तस्वीरें जारी की हैं, और जो चंपत राय हैं उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष जैसे कि देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से समतलीकरण का काम शुरू हुआ है जो अभी भी जारी है। कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर और 10 मजदूरों की टीम समतलीकरण का काम कर रही है। परिसर के समतलीकरण के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय भी खुल जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर के पास राम कचहरी मंदिर में ट्रस्ट के कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चला है। संचालन के लिए कंप्यूटर और दूसरी चीजें भी आ चुकी हैं। कार्यालय में केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। इसी कार्यालय में बैठकर ट्रस्टी आगे की रूपरेखा तय करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं चंपत राय जी का बयान जो उन्होंने जारी किया है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। उधर चक्रवाती अम्फान से अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है, और जैसा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अभी सारे जो डीएम हैं, एसपी हैं और प्रशासन के अन्य अधिकारी हैं वो फील्ड में हैं, तो हो सकता है कि मृतकों की संख्या बढ़ जाए क्योंकि अभी तक पूरे आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं है। और देखा जाए ये तो तूफान की बात करें तो इससे हजारों मकान नष्ट हो गए और निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले में एक पुरुष और एक महिला के ऊपर पेड़ गिर जाने से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा हावड़ा में भी इसी प्रकार की घटना में 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करंट लगने के कारण हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता के रिजेंट उद्यान क्षेत्र में एक महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे पर पेड़ गिर जाने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण उड़कर आई किसी वस्तु के टकरा जाने से कोलकाता में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस चक्रवाती तूफान के कारण जान माल को हुए नुकसान का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है क्योंकि जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक तबाही मची है उनमें अब भी जाना संभव नहीं है। भारी बारिश और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के दीघट तट पर पहुंचा था। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से मंगलवार रात से हालात पर नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि अम्फान का प्रभाव कोरोना वायरस से भी भीषण है। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में चक्रवात के कारण भारी बारिश और तूफान आने से खपरेल वाले मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवा में उड़ गए, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और निचले शहरों और गांवों में पानी भर गया। कोलकाता में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने कारों को पलट दिया और पेड़ और खंभे उखड़कर गिर जाने से अहम रास्ते बाधित हो गए। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर से आने वाली खबरों में कहा गया है कि खपरेल के मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, बिजली के खंभे टूट या उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया। कोलकाता उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रही, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई। सुंदरबन डेल्टा के तटबंध
इस चक्रवात के कारण टूट गए। टीवी में दिखाई गई फुटेज में दीघा और सुंदरबन में ज्वारभाटा की ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। पेड़ गिरने से बाधित सड़कों को साफ करने के लिए भारी मशीनरी तैनात की गई है। राज्य सरकार ने 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अगर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो सुबह का आंकड़ा है वो बता रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भारत में 1,12,000 के पार चले गए हैं। 3,435 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। वहीं अगर बात करें जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस को जो हरा चुके हैं उनका भी आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये संख्या अब तक 45,000 को पार कर चुकी है।